बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल कुछ और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है, जिनकी रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली आ रही है मुझे सोशल मीडिया पे और मेरे स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अभी मैंने फिलहाल टाइम कम था, मेरी तबीयत भी जरा सही नहीं, तो मैंने अभी तीन स्टॉक चूज किए हैं, वो आपके साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। चले वक्त जाया किए बगैर सबसे पहले तो बैको लेते हैं। इसका तस्करा काफी हो रहा है और एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी इसका कहा था कि एनालाइज करके बताएं। तो देखिए बैको का मैंने वीकली लिया है क्योंकि इस वक्त इस पर कोई वॉलिटिलिटी नहीं है, ये यही स्टक हुआ हुआ है। अगर हम देखें सीपीआर के हिसाब से तो इस वक्त ये 7.5 से लेके 7.25 यहीं पर ही परफॉर्म कर रहा है। वीक बनती है ऊपर, यहाँ पे देखें यहाँ पर भी वीक बनी थी, यहाँ मैं लगा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल रे जो है ये इसका हाई है, लेकिन मेरे हिसाब से ना इससे अभी ऊपर जाना इसका मुश्किल है। ये वाला जो है ना मैक्सिमम, इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूँ। ये अभी जो है प्राइस सेक्शन के हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर परफॉर्म करना सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर इसके देखें फंडामेंटल देखें तो इतने कोई खास इस वक्त नजर नहीं आ रहे। वैसे ये मैं आपको बता दूं, पहले ये रावी टेक्सटाइल था, इसके बाद जो है फिर ये बैको स्टील हो गया, और इसके बैको स्टील होने के बाद इसकी रैली देखिए कहां तक बनी, 29 रुपए तक जो है ना बनी है। और इसका हम लो देख लेते हैं, लो इसका जो है मंथली पे आ जाते हैं, ऑल टाइम लो पता चल जाएगा, ये 36 पैसे का लो है इसका, ये है लो इसका, 2011 का जो लो है वो तकरीबन 28 पैसे 30 पैसे ये लो है इसका। यहां से फिर इसने ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, यहां देखे ना कब बनाया इसने हैंडल, मैं आपको बना के भी बता देता हूँ ड्रॉ करके, ये देखें ये यहां से इसने ये कप वाला बनाया, ये हैंडल बनाया, फिर उसके बाद इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। तो ये टेक्निकली जो है मैंने आपको समझा दिया है, इसको मैं ब्लैक कलर देते तो ताकि आपको समझ में आ जाए कप एंड हैंडल का, ये कप बना ये हैंडल बना फिर ऊपर। अच्छा हमेशा देखें कप हैंडल बनता है, कप भी बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रेकआउट मिलना इस लेवल का जो अपर साइड पे ये ब्रेकआउट मिला, और इसके बाद फिर इसने मूवमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, यहाँ रिटेस्ट भी किया, फिर दोबारा आया इसी लेवल को और इसके नीचे भी आया, यहाँ देखिए 1.48 रुपए तक भी आया, फिर ये गया, मतलब काफी वॉलेटाइल रहा है ये। इसके बाद से जो है ना ये वाले एरिया के बाद 4.87 रुपए के बाद ये काफी वॉलेटाइल रहा है, और अभी भी इस वक्त मुझे लग रहा है कि 4.87 रुपए तक ही इसको देखना चाहिए। अभी अगर आपको वक्ती तौर पे 1 रुपया शायद मिल सकता है कैपिटल गेन, जिस तरह मैंने बताया 7.25 है तो ये यहाँ 8 रुपए तक भी आ सकता है, 7 रुपए पे अगर लेते हैं तो। अभी फिलहाल जो है इस पे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी इस पे देखिए जब क्वार्टरली अर्निंग आई थी अभी इसकी सितंबर में, तो इसका 7 रुपए लॉस आया क्वार्टरली का, और ईयरली का 1.29 रुपए है, नहीं सॉरी बल्कि ये 9 अक्टूबर में आया ये अब तो, हाँ अक्टूबर या सितंबर में आया ये, तो क्वार्टरली सितंबर में आया है, तो ये तकरीबन 9.38 रुपए का लॉस शो कर रहा है इधर क्वार्टरली का, और ईयरली का 5.93 रुपए। वो फंडामेंटल अभी कोई खास स्ट्रांग नहीं है, देखे ना टेक्निकली भी उसी पे काम करना चाहिए जिसके फंडामेंटल थोड़े स्ट्रांग हो। इस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मोडेम मुदारबा अल माली मेरे ख्याल से 1.5-2 रुपए का था, इसके बाद से तो 25 रुपए तक भी गया, तो वो बात जारी होती है, फंडामेंटल होता है तो फिर सस्टेन करता है उस रेट पे उस प्राइस पे, वरना फिर नीचे आ जाता है स्टॉक, तो इसके साथ भी यही हुआ। हालांकि ऑल दो यहाँ देखें यहाँ इसने अर्निंग अच्छी शो की है, यहाँ पे अक्टूबर में यही क्वार्टरली था लास्ट ईयर जो है, तो उसने अर्निंग ईयरली अर्निंग जो है क्वार्टरली अर्निंग जो है वो 32 पैसे माइनस आई थी, लेकिन ईयरली अर्निंग जिस तरह इनके पूल में होता है तो उसमें ईयरली अर्निंग ज्यादा थी तो कम हो रह गई थोड़ी सी, फिर भी 44 रुपए जो है 45 पैसे बताए, और यह 10 रुपए सॉरी 1 रुपए डिविडेंड भी रहता है 10%। फिर इसके बाद देखिए अर्ली अर्निंग और कम हो गई, फिर ये माइनस में आ गई यहाँ पे, तो अभी अगर आपने ट्रेड करना हो फॉर कैपिटल गेन नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि लॉन्ग टर्म इसको रखें, कैपिटल गेन लेना हो तो 7.5-8 रुपए तक आपको ये दे सकता है अभी फिलहाल, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखें कोई इसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो परफॉर्म कर सकता है, वरना अदरवाइज तो ये एक तो ये 5 रुपए के अराउंड ये अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ पे इसके अराउंड ये वाला बहुत अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है 3.55 रुपए, ये वाला 3.81 रुपए, यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं स्टॉक को, आप
ये आपको यहाँ पे दिखा सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है प्रोबेबली ये वाला एरिया जो है 3 रुपए 81 पैसे, 3 4 रुपए 87 पैसे और 3 रुपए 81 पैसे, ये जो है इसके अच्छे सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर अच्छे इसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, कोई अच्छा बिजनेस होता है इसका, तो फिर अपसाइड देख सकते हैं, वरना ये वापस ये 1 रुपए 22 पैसे भी अपने को रिटेस्ट कर सकता है यहाँ पे, और इवन यहाँ पे भी रिटेस्ट कर सकता है, 2 रुपए 5 पैसे भी ये आ सकता है ये वाला स्टॉक। तो अभी तो मेरे ख्याल से तो बैंकों में तो इतना जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव लगता है, 29 रुपए गया, 7 रुपए हो गया, तो ठीक है वो नहीं है, 7 रुपए आया क्यों, सबसे बड़ी बात है ना, वहां से आया क्यों इतना नीचे। इस तरह तो मैं आपको वो भी बता दूं, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था, UBDL 600 रुपए का हाई है और 7.5 रुपए का लो किया। अब आप देखें 600 रुपए में जो है कहां लोगों ने लिया होगा, 100 रुपए में भी लोगों को सस्ता लग रहा होगा कि 100 रुपए में ले लो, 7.5 रुपए हो गया। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इसमें कुछ हार्ड डाला जाए, स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर लें। और मैंने आपको CPR लेवल पे आपको फिर से अगेन बता देता हूँ, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको लेवल समझ में आ जाए। CPR लेवल 7.50, 7.37, 7.25, ये CPR लेवल है, इसको मेंटेन करता है तो आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ रह के काम। अभी तो फिलहाल इसमें कोई इतना खास गेन नजर नहीं आ रहा, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको ये अच्छा गेन दिखा दे अगर कोई अच्छी इसमें इंप्रूवमेंट होती है इसके फंडामेंटल्स में। अगला स्टॉक ले लेते हैं, वो भी स्टील से ही है, इत्तेफाक इसके काफी र्यूमर आ रही है कि भाई ये शायद पावर सेक्टर में आ रहा है, या काम उसका जो है बिजनेस जो है कुछ और होने चेंज होने वाला। बहरहाल अभी तक र्यूमर है, इसकी अथॉरिटी अभी तक हुई नहीं है, र्यूमर की है, ठीक है। अब इसमें इसके अभी देख रहे हैं फंडामेंटल, तो ये फिर भी बैको से बेहतर है, मैं तो प्रेफर करूंगा आप ये ले लें बैको, अगर स्टील में ही काम करना है। मैं कह रहा हूँ स्टील में क्यों काम कर रहे हैं आप, बैको से अच्छा तो ये है, 21 पैसे का लॉस है ईयर का और क्वार्टर का भी जो आए लेटेस्ट, और ईयरली का इसमें देखें माइनस था, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव है। यहाँ ईयरली देखिए -6.65 पैसा था, यहाँ ईयरली जो है 21 पैसा रह गया, तो थोड़ा सा इम्प्रूव किया यहाँ पे। तो बहरहाल अभी देखिए इसके कोई इतना कोई खास फंडामेंटल है नहीं, ना डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। अभी यहाँ पर इसने दिया था बोनस, दिया था 10%, ये 2018 के बाद, मतलब इसकी कोई हिस्ट्री बनी नहीं है, मतलब मैं कहता हूँ कम से कम 5 साल की हिस्ट्री बन जाए ना, तो उसमें आप फिर आप काम करें। तो इसमें ये कि अगर आप चले आपने हायर साइड पे भी ले लिया लेकिन आपको डिविडेंड तो मिल रहा है, फिर वही स्टॉक लोअर साइड पे आता है तो उसको आप उसी को आप एक्यूमुलेट कर लें, उसी पे काम करें, दूसरे स्टॉक पे काम ना करें, 3 4 स्टॉक ले लें अच्छे अच्छे डिविडेंड वाले, उस पर आप काम करते रहे, लोअर साइड पे बाय कर ले और मजीद नीचे आता है मार्केट डिस्काउंट होती है। तो बहरहाल अभी इसमें जो है इसका भी मैं आपको एक्सपेंड करके बता देता हूँ, अपर साइड पे जो है ये मूव कर रहा है और शेडिंग भी हो रहा है, वैसे CPR हो सकता है कि आगे जाके मूवमेंट दिखाए, लेकिन इसके ऊपर इसको ब्रेक करना और सस्टेन करना बहुत जरूरी है, 7 रुपए 65 पैसे अभी जो CPR का अपर लेवल है। और सपोर्ट देखें तो इस वक्त ये यहाँ पे इसने अच्छी खासी सपोर्ट ली है, 6 रुपए 60 पैसे कह रहा हूँ, वीक बनी थी नीचे ऑलरेडी, चले वीक भी ले लेते हैं हम, ये वाला एरिया 6 रुपए 31 पैसे, ये अच्छा एरिया है, अगर आपने लेना है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और चाहे तो होल्ड कर लें, लेकिन अपर साइड पे इसको सेल जरूर करना चाहिए, जैसे अभी भी यहाँ पे भी सेलिंग एरिया ही यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। अगर इस ये वाला एरिया जो है एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला 9 रुपए 23 पैसे, ठीक है, ये उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि 7 रुपए 65 पैसे अगर ये तोड़ता है, 9 रुपए 23 पैसे करता है, तो फिर आने वाले दिनों में हम ये वाला एरिया देख सकते हैं 10 रुपए 87 पैसे। ये यहाँ तक मैंने पहले भी ये शेयर किया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इत्तेफाक की, मैंने ऐसे शेयर किया था, तो इसका मैं आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही बता देता हूँ। ये देखें ये इस वक्त एरिया जो है ना ये एरिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना, ये टूटता है तो इसकी सिंक्रोनाइजेशन इसके साथ ही बन रही है, ठीक है। अभी तक देखें ये एरिया यहाँ पे, ये जब से ये ब्रेक किया था 3 अक्टूबर 2022, 1 साल के पहले जो है ये इसने ब्रेक किया था, और अभी तक इसके ऊपर कोई कैंडल बुलिश कैंडल नहीं बनी है, दैट मींस कि इसको ब्रेकआउट नहीं मिला है। रीटेस्ट किया है, इसको रीटेस्ट किया था 3 जुलाई 2023 को, फिर इसके बाद जो है फिर अगेन अब ये फिर अभी रिसेंटली इसने इसको रीटेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन ही विटनेस की है, तो अभी थोड़ा कॉशियस रह के काम करें।
और अगर लेना हो बहुत ही जरूरी तो 7:20 अच्छा है, सीपीआर के हिसाब से 7:20 पे आप लें और थोड़ा यहाँ बाय करें, यहाँ चाहे तो बाय करें क्योंकि है तो ये लोअर साइड पे। थोड़ा सा और मैं इसको जूम इन करके आपको बता दूं, यहाँ से इसका भी हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ये वाला एरिया अगर हम देख लें तो ये वाला एरिया बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एरिया 5 रुपए 20 पैसे, इसको भी मैं ये वाला एरिया जो है ना इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 5 रुपए 20 पैसे 18 पैसे ये का ये एरिया जो है। और इवन अगर इसका वो भी ले लें हम प्राइस एक्शन के हिसाब से विक भी ले लें, तो ये वाला एरिया 5:18 या 5:20 से लेके 4:71 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ यहाँ पे वीकली पे नजर आ रहा है, सॉरी मंथली पे नजर आ रहा है, वीकली पे नजर डाल लेते हैं चलें। तो वीकली पे भी देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो अच्छा सपोर्ट जैसे यहाँ पे लिया था इसने, इसको ब्रेक भी किया था लेकिन इसके नीचे परफॉर्मेंस नजर नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा चलें दोबारा से जूम इन करके आपको एक्सपेंड करके आपको नीचे का एरिया भी बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ कर लें, ये वाला एरिया जो है यहाँ वीक बनी थी, तो ये वाला एरिया भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, 4 प्राइस सेक्शन के हिसाब से 4 रुपए 71, 5:20 से 4:71 यहाँ पे आप ले सकते हैं इसको। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये अगर लेना हो तो यहाँ पे लेके आप ऊपर पे सेल जरूर करें, अभी फिलहाल तो सेलिंग ही नजर आ रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला नहीं है। अच्छा अगर हम इस पे डेली पे नजर डालें तो इसको अगर हम लें, अच्छा देखें यहाँ पे ये डोजी बना था, ठीक है, और बुलिश कैंडल बनी, अब यहाँ बुलिश कैंडल के बाद डोजी बना है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि इसको ब्रेक भी कर जाए, क्योंकि दोनों के सिनेरियो में और इसको जो जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसमें बहुत फर्क है, तो हो सकता है प्रोबेबली इसको ये ब्रेक कर जाए आने वाले दिनों में। अभी जैसे रोल ओवर वीक चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आए इसमें, तो जैसे ये बता रहा हूँ 7:20 वाला एरिया जो है ये इसको रिटेस्ट कर, और इवन ये वाला एरिया प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो 6 रुपए 90 पैसे यहाँ पे भी, मैं यहाँ पे हो सकता है कोई वीक बने और क्लोजिंग इसके ऊपर आए ना तो फिर आप इसको देखते देख सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, 6 रुपए 94 पैसे ये वाला एरिया जो है, 6 रुपए 70 पैसे 94 पैसे ये एरिया है इसको रिटेस्ट कर सकता है। तो यहां से तो कुछ नजर आ रहा है, देखें कि ये यहाँ पे अलग सिनेरियो बन रहा था, अलग पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे अलग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह मैंने आपको बताया सीपीआर से हमेशा हेल्प ले लिया करें, सीपीआर अगर इसके 7:20 के नीचे अगर ये परफॉर्म कर रहा है और बेरिश कैंडल बनना फॉर्म हो, बेरिश कैंडल बनना शुरू हो गई है, कोई डोजी कोई विक नहीं बन रही है, तो फिर आप साइड लाइन देखें, फिर ये सपोर्ट लेवल इंतजार करें, वहां से सपोर्ट लेवल पे कोई ऐसा पैटर्न बनता है बुलिश पैटर्न तो फिर आप एंट्री लें। अच्छा अब थर्ड है टीपीएलपी, बहुत पहले से इसकी फरमाइश थी, वक्त नहीं मिल पाया, ये टीपीएलपी पे भी आ जाते हैं वीकली पे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टीपीएलपी। टीपीएलपी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका जो मैं आपको बता दूं एरिया जो है बेहतरीन एरिया जो सपोर्ट का है वो ये है 11 रुपए 45 पैसे बेहतरीन एरिया है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ये एरिया अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है 12 रुपए 20 पैसे से लेके 11 रुपए 45 पैसे, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसमें पैटर्न अच्छा बन रहा है, बुलिश नजर आ रहा है, यहाँ से आरएसआई देखें तो अभी आरएसआई 20:54 पर वॉल्यूम जो है अच्छा खासा इस वीक में, अभी वीक क्लोज नहीं हुआ है, अगर डेली पे नजर डालें तो डेली पे अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ था, और दूसरी बात यह कि यहाँ पे इस वक्त रिजेक्शन ही आ रही है इस एरिया पे, एटलीस्ट 13:83 से लेके 13:94 14 रुपए तक ये सब रिजेक्शन आई थी, और ये सब सेलिंग एरियाज हैं यहाँ पे, इवन यहाँ पे ये मैक्सिमम ये यहाँ पे जा सकता है, ये हार्ड नट है अभी फिलहाल ऑन डेली टाइम फ्रेम, इसका ब्रेक करना इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है 14:83 14:83 के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनती है उस पर आप एंट्री ले सकते हैं, और ये कहाँ तक जा सकता है इसको भी हम हिसाब लगा लेते हैं, यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन इसको हटा देते हैं सपोर्ट एरिया वाले को, और यहाँ से हम अगेन एक ट्रेंड लाइन लेते हैं
ये एरिया, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में हम ये वाला एरिया रिटेस्ट होते हुए 1654 1650 जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे नजर आ रहा है, 1692 तक भी हम इसको देख सकते हैं स्टॉक को। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा स्टॉक इसलिए माना जाता है डिविडेंड, अब इसने देर पहले तो बोनस देता था, डिविडेंड भी देता था 10% तक, इससे ज्यादा अभी तक डिविडेंड दिया नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इसने 20% डिविडेंड दिया था, ठीक है ना। सॉरी, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 17 रुपये तक भी इसमें गुंजाइश बनती है, अगर ये 13-14 रुपए के ऊपर परफॉर्म करता है, 14-15 इसके ऊपर, एटलीस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तो या हम उसको 17 रुपए भी देख सकते हैं, और इवन जो इसका चैनल टॉप है ये भी हम रिटेस्ट होता हुआ दे सकते हैं, 20 रुपए 76 पैसे, ये भी हम रिटेस्ट आने वाले दिनों में होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वीकली पे देखें तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है 15 से लेके 17 के दरमियान यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया 13-13.94 है, सॉरी सीपीआर का लेवल 13.94 है, 13.50 है और 13 रुपए 4 पैसे है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11.45 और ट्रेंड लाइन सपोर्ट 12.20 है। तो इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग करें, मेरे हिसाब से तो थोड़ा वेट करें नीचे का, क्योंकि रोल ओवर वीक है तो हो सकता है स्टॉक आपको नीचे मिल जाए। देखिए मैं आपको बता, जैसे यहाँ पे इसने बोनस दिया है 10% बोनस दिया, यहाँ पे इसने 20% बोनस दिया, ये 30% बोनस, फिर यहाँ पे भी इसने बोनस दिया है 30%, 20%, मतलब 30-30-60% बोनस दे चुका है और 40% डिविडेंड दे चुका है। तो अच्छा इसकी मतलब हिस्ट्री बन रही है, अगर आप देखें तो इस पे आप काम कर सकते हैं, ये अच्छा स्टॉक है, इसको आप लेके रख लें। अगर ये नीचे आ भी जाता है तो प्राइस आप नीचे पे इसको एक्यूमुलेट करें और होल्ड कर सकते हैं फॉर डिविडेंड एंड बोनस। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।